अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बीती रात सिविलियन थाना क्षेत्र के नागूखेड़ी में खुले में रखे भंगार में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग पर पाया काबू। बीती रात नागूखेड़ी के समीप खुले में रखे भंगार में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अनुभव चंदेल ने बताया कि 2 से 3 फायर ब्रिगेड द्वारा 2 से 3 घंटे में आग को बुझाया गया। उज्जैन रोड नागूखेड़ी का मामला था, रात में पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि आग लगा हुआ है, तो फायर ब्रिगेड रवाना की गई थी वहाँ के लिए। कितनी फायर ब्रिगेड पहुंची थी वहाँ पे? मौके पर 3 फायर ब्रिगेड थी। काई में आग लगी थी, क्या पूरा मामला था? ये कबाड़ अटाला इकट्ठा करके रखा हुआ था, अब वो किसका था ये नहीं मालूम है, प्लास्टिक के बोरे वगैरह थे। क्या किसी खेत में रखा था? कहाँ रखा था ये? ये खुले मैदान में पड़ा हुआ, खुले मैदान में पड़ा हुआ था। कितनी फायर? 3 फायर ब्रिगेड पहुंची थी। 3 फायर ब्रिगेड और 2 घंटे लगे। हाँ, 1.5 से 2 घंटे लगे पूरा मामला आग बुझाने में। आपका नाम है सर? अनुभव चंदेल, फायर ब्रिगेड देवास।